अबीर चौधरी अब्बास चक नंबर 78 जी बेजवदी वहां से तशरीफ लाए हैं, माला पहनाएंगे उनके हल्का से मियां अजमल आसफ साहब, साबिक एमपीए हैं चौधरी अब्बास चक नंबर 78 जी बेजवदी। इनके बाद चौधरी इरशाद लायलपुर कॉलोनी नंबर 1 जिसको तंबू कॉलोनी भी कहते हैं, राणा सनाउल्ला खान साहब को माला पहनाएंगे। इसके बाद ये तमाम जरा जल्दी से आते जाएं मेरे भाई, जल्दी से आते जाएं। पास्टर इश्तियाक गलालीपुर से मियां अजमल आसफ साहब को माला पहनाएंगे। मैं ये जो नाम बोलता जा रहा हूं आप आते जाए, जिनके नाम बोल रहा हूं, चौधरी आसफ महबूब टाउन से राणा सनाउल्ला खान साहब को माला पहनाएंगे। महबूब टाउन राणा तनवीर सुल्तान नगर हाजी मोहम्मद तनवीर माणा भट्ट है। इजाज मसीह मास्टर आरव महबूब टाउन से लेडी काउंसलर हमारी बहन है जो तलवंडी से तशरीफ लाई है, वो भी आगे आए। नाजिया शमाउन नागरा साहब को देखो, एक कवारी हावला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम अमान में रखेगी और दही और शहर जब तक वो नेकी और बदी को रद्द और कबूल के काबिल ना हो, पर इस पेश कर ये लड़का नेकी और बदी के रूह को कबूल के काबिल हो। ये मुल्क दोनों बादशाहों को से नफरत है और वीरान हो जाएगा। का बड़ा समझ आना बाइस चश्मा यहीं से निकलेगा। अब मैं जिस
शख्सियत को दावत दूंगा। वो मसीहों की आन है, मसीहों की जान है, शान है। जब भी मसीहों पे कोई मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने एहतजाज किया, चाहे वो एहतजाज सड़कों पे है, चौराहों पे है, असेंबली पे है। मसीहों को उनका हक लेके दिया। आज मैं खलील साहब आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जितने भी हमारे मसीह बहन भाई इकट्ठे हैं, ये सब लोग आपकी आवाज पे लबैक कहेंगे। जिस तरह इन्होंने पिछली दफा भी राणा सनाउल्लाह खान साहब को कामयाब किया था, राणा अब भी राणा सनाउल्लाह साहब को कामयाब करेंगे। और मैं भी दावत देता हूं आपकी भरपूर तालियों में बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। सब लोग ऊंची आवाज से ये साबित करें कि आज हम मसीही यहाँ पे इकट्ठे हैं। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की। खलील का है संदूक। काबिले सादे तेराम, मैं समझता हूं कि मेरी मुराद राणा सनाउल्लाह खान साहब से है कि ये जो पिछला दौर था और उससे पहले जब से राणा साहब सियासत में हैं, पहले वकालत की, लेकिन लीडरशिप जो थी मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, हमजा शहबाज शरीफ साहब, उन पे भी बहुत सारे मुकदमात झूठे बनाए गए। लेकिन ऑनरेबल राणा सनाउल्लाह खान साहब ने 302 था वो एक तरह से, जो 15 किलो झूठी हीरोइन डाले की सजाए मौत थी उसकी। लेकिन दुश्मन को ये पता नहीं था कि ये तो जो उनके जमीनी खुदा थे, ये तो 2002 में उनसे नहीं कंप्यूटर है, वो इसको नहीं तोड़ सके, तो ये इस 15 किलो हीरोइन वाले मुकदमे में इसको कौन तोड़ सकता है। मैं समझता हूं कि ये मजबूत एहसास का मालिक होना ये अल्लाह ताला की एक देन है। मेरे भाई अजमल आसिफ साहब, मैंने हमेशा जो भी राणा साहब का हुक्म हो या उनको किसी भी जगह पे हो, अदालत हो, असेंबली हो, कुछ भी हो, हमेशा उनके हुक्म की तामील करते हुए उनके हुक्म को ग्यारहवा हुक्म माना है राणा साहब के। और इसी तरह मेरा भाई अजमल आसिफ के बाद नागरा साहब, जिनसे मेरा बहुत वाकई ही जाती तल्लक है, लेकिन एक गिल है कि वो जब भी राणा साहब की तरक्की आते हैं तो हम भी बात करते हैं, सिर्फ अपने हल्के की बात करते हैं, अजमल की बात नहीं करते। हालांकि काम तो सारे हल्के में बहुत ज्यादा हुआ है और होगा आइंदा भी इंशाल्लाह। मैं सिर्फ दो बातें करके आपसे, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, इन पर पहले बता दूं आप सबके लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम है, कोई पैसे ना जाए। सिर्फ मैं सबसे पहले तो आपका दिल की इशारा कर रही हूँ उसे तमाम चर्च लीडर्स का, पॉलिटिकल लीडर्स का, अपनी बहनों का, हल्का के हल्का 100, हल्का 108, हल्का 109, सबका दिल की इशारा कर रही हूँ उसे। और मीडिया का जो माशरे की आंखें, चेहरा और हाथ है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो भी इतनी देर से इंतजार फरमा रहे थे, उनको 6 माह कैद की माफी मिलती है। तो राणा साहब ने फरमाया ये तो आपके लिए भी होना चाहिए। मैंने इनको एप्लीकेशन बना के दी और दरख्वास्त की, और अब काजी साहबान जो जेल में जाते हैं उस बात पे गवाह हैं कि अब जेलों में जो अपने हमारी मसीही कौम के जो लोग हैं, जो छोटे मोटे ऑफेंसेस में या किसी भी, अगर वो बाइबल मुकद्दस से इम्तहान पास करते हैं तो उनको भी 6 माह कैद की माफी मिलती है। और ये राणा सनाउल्लाह खान साहब के वजह से ये काम हुआ है मुझे पूरे पंजाब में। और मुझे ये काम, मुझे जाती तौर पे, मैं कच्ची सड़क पे चलना पसंद करूंगा, बेशक मुझे सर उठा के तो चलूंगा ना, मुझे ये वो चीजें हैं राणा सनाउल्लाह खान साहब की इंतजामी, जिनकी वजह से हम सब इनके लिए दुआओं की है। और हम इनसे वादा करते हैं राणा साहब कि जब तक इस जान में जान है हम आपके साथ हैं और हर तरीके से आपका साथ देंगे। आप सबने ये साबित करना है कि हम राणा सनाउल्लाह खान साहब से प्यार करते हैं। आप सब लोग खड़े होकर
राणा सनाउल्लाह खान साहब का इस्तकबाल करें। मुझे मियां असमल अजमल आसफ साहब को और चौरी जफर इकबाल नागरा साहब को आज यहाँ पे आपने दावत दी, मैं आप सबका यहाँ पे इस भरपूर और बहुत ही खूबसूरत अजलास को मुनक्कद करने पे और इस अजलास को इंतहाई उम्दा तरीके से जिस टीम ने मैनेज किया है और उस टीम की सरबराही मेरा शुबा जनाब खलील तहर सिंधु साहब ने की है, तो मैं आप सबका जो है वो दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने हमेशा की तरह जो है वो इस मरतबा भी अभी इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अनाउंस हुए एक दिन हुआ है, तो आपने इस तकरीब का एहतमाम करके दरअसल हमारी इलेक्शन कम्पेन का भी आपने जो है वो इफ्तिताह किया है। इस मरतबा हमारे इलेक्शन कम्पेन का इलेक्शन मुहिम का जो पहला प्रोग्राम है वो यही प्रोग्राम है और आपके इस बाबरकत प्रोग्राम की वजह से आपकी दुआ की वजह से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस हलके से हमें मुकम्मल कामयाबी देगा। मुकम्मल कामयाबी से मुराद ये है कि दोनों सूबाई और कौमी हलका 2018 के इलेक्शन में हालांकि उस वक्त हालात बड़े मुश्किल थे और बहुत सारी कुवतें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का रास्ता रोक रही थी, इसके बावजूद जो है वो इस हलके के अवाम ने जो है वो यहाँ से हमें मुकम्मल जो है वो कामयाबी दी थी और आपका उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था, बड़ा मुतहरक हिस्सा था। उसके ऊपर भी हम तीनों आपके अपने दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। और मैंने उस वक्त भी आपसे वादा किया था, इसी तरह से उस वक्त भी आपकी मसीही बरादरी का एक बहुत बड़ा इकट्ठ जो है वो यहाँ पे एक मार्की में जो है वो हुआ था, जिस तरह से आज आप यहाँ पे जमा है, तो मैंने उस वक्त भी आपसे वादा किया था कि इलेक्शन के बाद अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह आपकी एक एक आबादी को टारगेट करके इंशाअल्लाह ताला उसके जो भी मसाइल हैं, आपके वहां पे कब्रिस्तान के मसाइल हैं, आपके वहां पे जो चर्चेज हैं उनके मसाइल हैं, जो भी मसाइल हैं, हम इंशाअल्लाह ताला एक एक आबादी के मसले को जब हल करेंगे।